हेलो फ्रेंड्स, मीनूज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सोयाबीन की सब्जी। सोयाबीन जो है बहुत फायदेमंद होता है, तो चलिए इसे बनाते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि मैं कोई भी न्यू रेसिपी डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए बनाते हैं सोयाबीन की सब्जी। सोयाबीन की सब्जी बनाने के लिए ये 100 ग्राम मैंने सोयाबीन लिया है, दो प्याज, चार टमाटर, चार से पांच लहसुन की कलियां और थोड़े से अदरक के टुकड़े, इन सबका हमें पेस्ट बना लेना है। टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक को पीस के और सोयाबीन को हमें उबालना है। तो सोयाबीन उबालने के लिए हम पानी ले लेंगे और उसमें आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे और इसे खौलने देंगे। पानी जब खौलने लगे तब हम इसमें सोयाबीन डाल देंगे। और इसे 5 मिनट हम इसी में खौलने देंगे जिससे कि सोयाबीन जो है वो अच्छे से फूल जाए। इसे ढक के हम 5 मिनट इसी में पकाते हैं। पांच मिनट हो गए हैं, सोयाबीन जो देखिए कितना बड़ा हो गया है। अब हम इसमें गैस को बंद कर देते हैं और ऐसे ही अब इसे गर्म पानी में ही 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम मसाला पीस लेते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं इसमें से। ये मैंने निकाल लिया, पहले पानी हम हटा लेते हैं। अब हम वही कढ़ाई ले लेते हैं और उसमें सरसों का तेल डालेंगे, 2 से 3 चम्मच तेल डालना है हमें। और तेल को गर्म होने देंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, 3 से 4 लौंग, 2 हरी वाली इलायची, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 काली वाली इलायची बड़ी वाली जो होती है वो, छोटे से दालचीनी के टुकड़े, 3 से 4 गोल मिर्च, 2 तेज पत्ता। अब मसालों को चटकने देंगे। मसाला जब चटक जाए तो जो हमने प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक का जो पेस्ट बना के रखा है वो इसमें डाल देंगे। अब हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाला जो है वो तेल ना छोड़ दे। तो इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है। मसाला में से तेल छोड़ने लगा है, अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे सारे मसालों के साथ जिससे कि मसाले भी अच्छे से भून जाए। और हम इसमें नमक डाल देंगे, नमक जो है स्वाद अनुसार डालें, क्योंकि हमने सोयाबीन को उबालते टाइम भी नमक डाला है तो जितनी जरूरत हो उतना ही नमक हम डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। मसाला जो है वो तेल छोड़ने लगा है, अब हम इसमें ये जो हमने सोयाबीन को उबाल के रखा है वो डाल देंगे।
और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे हम डाल देंगे 2 चम्मच दही और इन सबको हमें एक साथ 5 मिनट तक भूनना है। दही डालने से जो सोयाबीन का जो कड़वापन होता है वो खत्म हो जाता है। ऐसे ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें। अच्छे से मिक्स कर दें और इसे अब हम 5 मिनट तक इसे एक साथ पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, सोयाबीन में जो है वो दही का अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी को, अच्छे से रब करके हम इसमें डाल देना है। इसे मिक्स कर दें। यहाँ पे हम पानी डाल देते हैं, पानी जितना भी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डाल दें इसमें। अब इसे ढक के 5 मिनट पकने दें। ये सब्जी खोलने लगी है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। ये सोयाबीन की सब्जी बनके तैयार हो गई।